देश के ताजा सियासी घटनाक्रम का विश्लेषण करने के बाद जानकार यही अंदाजा लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने का फैसला कर अपना राजनीतिक लक्ष्य भले ही साध लिया हो, लेकिन गठबंधन वाली सरकार में इस निर्णय को लेकर विरोधाभास जरूर देखने को मिल रहा है। इसके ठीक उल्टे अगर बीजेपी खेमे की बात करे तो जितने नेता उतनी तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह की बात करें तो उनका कहना है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। और इशारा किया है कि उनका कहना है कि दरअसल राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं उसके पीछे बीजेपी और जेएमएम का इतिहास भी छुपा है। बीजेपी और जेएमएम इससे पहले साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। वहीं बीजेपी ने शिबु सोरेन को राज्यसभा भेजने का काम किया है। सीपी सिंह का कहना है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की घटनाक्रम सामने है, यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने दीपक प्रकाश के दिल्ली में रहने की कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। इधर बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान को जेएमएम ने खारिज कर दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेएमएम के समर्थन को किसी भी नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य में गठबंधन की सरकार है और वो अपना काम कर रही है। खैर, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेएमएम बीजेपी से हाथ मिला लेती है तो आखिर क्या होगा कांग्रेस का? क्या महाराष्ट्र की तरह ही बिखर जाएगी इस बार भी कांग्रेस? ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।